नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निकू चौधरी व्लॉग्स में। मैं हूँ नताशा। अरमान मलिक के फैमिली का ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, इसको फैमिली ड्रामा ही बोला जाएगा। फैमिली ने एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ एक एक बोलता है तो दूसरा 10 बोलता है, जहाँ एक नॉर्मल बोलता है तो दूसरा कैरेक्टर पर बोलता है। मतलब इतनी गंदगी आज तक शायद ही किसी यूट्यूबर ने या ही किसी फैमिली ब्लॉगर ने फैलाई है जितनी इनकी यहाँ फैली हुई है। मतलब कि एक दूसरे को इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा गंद बक रहे हैं। अगर एक बोलता है कि तेरे बारे में पोल खोल दूँ तो दूसरा खोलना ही शुरू करता है। इंक्लूडिंग अब तो मतलब ये कहेंगे कि सरोज भाभी ने हद ही कर दी है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वो पास करी है। हालांकि हम यहाँ पे गलती दोनों की मानते हैं, दोनों या कहें कि तीनों चारों तरफ से ही गलती हो रही है। लेकिन अब जब सरोज भाभी ने जो चीज़ें बोली है कैरेक्टर के बारे में, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है सुनीता के लिए, और सुनीता की उनको सुनकर हालत ख़राब हो रही है। इतना ही नहीं, सुनीता ने मरने तक की धमकी दे दी कि तुमने मेरे कैरेक्टर के बारे में ये सब बोला, अब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें क्या वो होगा, और अपना सारा रिश्ता भी तोड़ दिया। इसमें अब सपना भी बीच में आई है। सपना का कहना यह है कि ये बार बार बहनों को झुला रही है मियाँ बीवी की लड़ाई में, इसलिए हम लोग बीच में बार बार बोल रहे हैं, नहीं तो हम लोग इनके बीच में बोलने वाले कोई नहीं थे, हम बोलने वाले ही नहीं थे। इससे पहले मेरी बेटी पर जब चोरी का इल्ज़ाम लगा था, जब तो ये भी चुप थी। आपको बता दें कि कालू ने इससे पहले जब सपना की अरमान मलिक के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, तो कालू ने वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था कि उनकी लड़की के बारे में, यानी कि सपना की लड़की के बारे में, कि वो तो यहाँ से चोरी करके गई है, उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इस पर सपना काफ़ी ज़्यादा रोई भी थी, लेकिन उन्होंने किसी को गलत कोई स्टेटमेंट नहीं कहा था। तो इस पर अब सपना ये बोलती आ रही कि जब मेरी बेटी की बात आ रही थी तो सब चुप थे, तब मैं भी चुप थी, मैंने कुछ किसी को बद्दुआ नहीं दी या किसी के लिए कुछ गंदा नहीं बोला। तो आज अपने बच्चों पर आई है, तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो सोचो मुझ पे क्या बीती होगी जब मेरी बेटी पर आई थी। तो ये कहते हैं ना कि घूम फिर कर वो चीज़ें आ रही है जो चीज़ें बोली गई थी। कुलदीप ने भी काफ़ी कुछ गंदा बोला था सपना के बारे में। अब कुलदीप गए हैं, पहले तो ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, जो बोलता है तुम्हारे और तुम्हारे भाई की लड़ाई है। हालांकि ये भी देखा गया है कि सरोज कभी जो चुप भी नहीं करवाती थी, जो बोलता था कुलदीप उनका साथ देती थी और चुप भी नहीं करवाती थी। लेकिन अब यहाँ पे ये ब्लेम लगा रही है कि मैं नहीं बोलती थी, वो ही बोलता था जो बोलता था। अब लेकिन जैसे भाषा देख रहे हैं सभी की, एक ने कुछ बोला कि मैं तेरी पोल पट्टी खोल दूंगी, तू क्या दूध की धुली है, तो दूसरे ने दूसरे को बोल देते तो तू तो 500-500 रुपये में जाती है। मतलब ना तो फैमिली की कोई भी इज्जत का, ना किसी चीज़ का। इतने सारे एलिगेशन बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और हम तो यही कहेंगे कि यूट्यूब पर ये गंदगी बिल्कुल ना फैलाए। आपकी वजह से जो इज्जत है, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है ना, उसको बचा के रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आप इसी तरीके की गंदी लैंग्वेज अगर यूज़ करते रहे तो पब्लिक भी आपको सपोर्ट करना बंद कर देगी, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक को सब पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।